नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के एक्स और वाई ग्रुप एयरमैन रिक्रूटमेंट्स के ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट 7 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक रहेगी। एग्जाम 18 से 22 अप्रैल 2021 के बीच होगी और एडमिट कार्ड अप्रैल 2021 मंथ में अवेलेबल रहेंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए ₹250 रहेगी। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन मोड से करना चाहें तो एक्सिस बैंक के ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी, हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट 55 केजी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एक्स और वाई ग्रुप दोनों एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट की एज 16/1/2001 से 29/12/2004 के बीच होनी चाहिए। एक्स ग्रुप के क्वालिफिकेशन के लिए 10+2 एग्जाम पास विद मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स और पास 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स, और वाई ग्रुप के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विद 50% मार्क्स, इंग्लिश 50% मार्क्स और 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद 50% मार्क्स। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.airmanselection.cdse.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट, रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। काइंडली रेडी द स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। Before submit the application form, must check the preview and all columns carefully. Online form apply करने के लिए Central Airman Selection Board की official website पर जाने के बाद हम सबसे पहले New User पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम, अपनी ईमेल आईडी, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर और कैप्चा एंटर करके अपनी आईडी को क्रिएट करेंगे। इसके बाद आईडी जनरेट होते ही आपकी दी गई ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद साइन इन पर जाकर ईमेल आईडी अपनी एंटर करें और अपने ईमेल पर भेजे गए पासवर्ड को एंटर करें और कैप्चा को प्रॉपर एंटर करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट की स्टेप्स डिस्प्ले होंगी, जिनमें पहली स्टेप है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करके हम दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगी अपनी फिल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में पहली टैब है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हम कैंडिडेट नेम, जेंडर, पेरेंट्स नेम का ध्यान रखना है, जैसा 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट में नाम दिया हुआ है एज इट इज एंटर करें। इसके बाद अपना 10th की मार्कशीट अपन को अपलोड करनी है, अपनी ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ये सारे कॉलम भर के हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकंड टैब है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। इसमें हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरी टैब है एडिशनल डिटेल्स की। एडिशनल डिटेल्स में सारी सूचनाओं को प्रॉपर फिल करके हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगली टैब है कम्युनिकेशन डिटेल्स की। इसमें अपना परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स भरकर हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगली टैब है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। इसमें हम अब स्कैन की गई अपनी फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, थंब्स आदि को अपलोड करेंगे। ध्यान रहे दी गई साइज में ही हमें फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर या अपना थंब अपलोड करना है। ये सारे अपलोड करके हम लोग सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म की अगली स्टेप मेक पेमेंट होगी। मेक पेमेंट पर क्लिक करके हम नीचे एक चेक मार्क दिया हुआ रहेगा, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू टू माय नॉलेज। इस पर क्लिक करके हम कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करेंगे।
पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछेगा कि आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसके थ्रू करना चाहते हैं। अपने सहूलियत के हिसाब से जिस गेटवे से हमें पेमेंट करना है उसको सेलेक्ट करके हम पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर हम फॉर्म को आप प्रीव्यू चेक करेंगे कि हमारे द्वारा भरी गई सारी डिटेल्स प्रॉपर सही हैं, और इसके बाद फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई डिटेल आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।